फॉर कंप्लीट अपडेट लाइक अस एंड सब्सक्राइब। सो क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर रिमेनिंग पार्ट है। लास्ट आखिरी टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, दिस इज द इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सपोज इन टर्म्स ऑफ नॉन इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में हो तो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स है। ओके, एग्जाम्पल्स हम सबने देखे थे। एग्जाम्पल्स में क्या है? दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और डेसिमल फॉर्म में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, सपोज अंडर रूट टू। सो व्हाट इज दिस डेसिमल फॉर्म? 1.414, सो ऑन। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, रूट थ्री, रूट फाइव, अंडर रूट जो भी हमारा इंटीजर्स आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, अंडर रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स आया और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स है। अंडर रूट में इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर प्राइम हो सकता है, वो नंबर कंपोजिट हो सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए कंपोजिट नंबर क्या है? 6। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स है। फिर रूट 10 इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 6 का भी 10 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर्स है। अब इरेशनल नंबर्स के साथ एज ए हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों के साथ अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा? ठीक है, सपोज दिस इज रेशनल नंबर्स, दिस इज इरेशनल नंबर्स, इन दोनों में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीज़न हो। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स माइनस इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर डिवाइड बाई इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिवाइड बाई रेशनल नंबर्स। तो हर केस में हमारा प्रोडक्ट जो होगा, रिजल्ट जो होगा, वो हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, एग्जांपल 2+√3, ये हमें प्रूफ भी करना है, 2+√3 इज इरेशनल नंबर्स। ओके, 5-√2, दिस इज इरेशनल नंबर्स, 3√2 इरेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट √5/2 इरेशनल नंबर्स और 2/√5 इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये सब हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। बट अगर इरेशनल में इरेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो क्या होगा? इरेशनल में इरेशनल को ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करना है। इरेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर इरेशनल में इरेशनल को ही करें तो इसका रिजल्ट जो होगा इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। इरेशनल तो क्लियर है होगा, रेशनल भी हो सकता है। क्यों, कैसे? सपोज एग्जांपल इसका करते हैं √3, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं √3, √3 × √3 क्या होगा? 3। ओके, तो 3 इज अ रेशनल नंबर्स। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम एक प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर्स। ओके, हमें प्रूफ करना है √2 इज इरेशनल। तो सिर्फ √2 ही नहीं, √2 के अलावा और भी नंबर्स हैं जिसको हम इरेशनल सेम एज इट इज़ जैसे √2 को करेंगे वैसे इन सबको कर सकते हैं, √7, √11। ठीक है, ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स हो अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर्स हो जैसे हम √2 को करेंगे ऐसे ही एज इट इज़ इन सबको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है HW।
एटलीस्ट ये दो तो कर ही लो, ठीक है, कम से कम रूट थ्री एंड रूट फाइव का आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने वाला हूँ। तो रूट टू इरेशनल के बारे में हम क्या जानते हैं, इरेशनल के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इससे ज़्यादा तो हमें इरेशनल के बारे में पता नहीं है, प्रूफ कैसे करेंगे। हमें रेशनल के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रूट टू को हम रेशनल प्रूफ करते हैं। अगर रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए तो ये क्या होगा, इरेशनल हो सकता है, क्लियर है। तो हमें इरेशनल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो हम इरेशनल के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, हम रेशनल के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं। हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं कि हम ये रूट टू क्या है, रेशनल नंबर से। सपोज लेट बी रूट टू इज इरेशनल, सॉरी रूट टू इज रेशनल नंबर्स, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर जो होगा उसको तो हम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर्स हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू है, जो इक्वल टू रूट टू है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, मीन्स दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लाइक टू और थ्री, टू अपॉन थ्री है या थ्री अपॉन टू है, ये फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्लियर है। तो पी अपॉन क्यू क्या है, हमारा को प्राइम है। अब हमें रूट हटाना है, तो हम रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचा, टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या मिलेगा हमें, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर क्यू और टू को दूसरी तरफ भेजे तो क्या मिलेगा हमें, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू, पी स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसे यूक्लिड डिवीजन से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन हमारा क्या होता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अगर आर यहाँ पे ज़ीरो होता, आर क्या है, ज़ीरो, तो हम ये कहते हैं कि ए जो है कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बी, और ए कम्प्लीटली डिविजिबल बाई क्यू, बी से ए कम्प्लीट डिविजिबल है, या क्यू से ए जो है कम्प्लीट डिविजिबल है। वैसे ही जब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सपोज हेयर ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा क्या है, ए है, इसको हम ए मान लें, ये हमारा बी है और ये हमारा क्यू है, ठीक है। इसमें आर क्या है, ज़ीरो, आर इक्वल टू ज़ीरो है, क्लियर है। मीन्स दैट ये कम्प्लीट डिविजिबल है, तो कम्प्लीट डिविजिबल कौन कर रहा है, टू कर रहा है इसको। जब पी स्क्वायर को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिला है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब एक रूल है, एक लेमा है, क्या लेमा है, वो लेमा ये है, इफ पी स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, पी स्क्वायर टू से कम्प्लीटली भी डिविजिबल है, देन P भी कम्प्लीटली भी डिविजिबल होगा 2 से। जब P को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगा, वो हमारा Q क्या होगा, सपोज कुछ कर लेते हैं A होगा, ठीक है। जब हमने पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर मिला। अब अगर हम P को 2 से डिवाइड करेंगे तो A मिलेगा, कोई क्वेश्चन तो आएगा ना, कम्प्लीट डिविजिबल है, तो उस क्वेश्चन को हमने A सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, p इक्वल टू 2a लिख सकते हैं, p इक्वल टू 2a लिख सकते हैं। अब जहाँ पे यहाँ p है, इसको हम p को क्या रिप्लेस कर देंगे, 2a से। देखो इस p को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2a, p का स्क्वायर है, वो p की वैल्यू है, तो स्क्वायर रहेगा 2qa स्क्वायर, ठीक है। ओपन करते हैं क्या मिलता है, 2 जा 4a स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर हमें क्या मिला, 2a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 2a स्क्वायर।
अब फिर इसे हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेबल 2। अगेन सेम सिचुएशन यहाँ भी आ गया, सेम सिचुएशन ये भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन वही बात, इक्वल डिवीजन से, और फिर से वही, अगर क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी 2 डिवाइड करेगा सेम, तो उसका मान लेते हैं कोई बी आएगा। जब क्यू को 2 डिवाइड स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, डिविजिबल है, तो क्यू को भी कोई 2 डिवाइड करेगा, तो उसे क्या क्या आएगा, बी बांट लेते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, उसको बी मान लेते हैं सपोज। अब देखिए पी को यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पी को 2 डिवाइड किया, यहाँ क्यू को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और पी अपॉन क्यू क्या है भाई, को प्राइम है, पी अपॉन क्यू हमने पहले ही क्या कहा, ये को प्राइम है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और हमें यह देख रहा है कि दो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, दो ही तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है ए टाइम्स में, और क्यू को डिवाइड कर रहा है बी टाइम्स में, तो इट मीन्स कि या तो ये को प्राइम नहीं है, या ये डिवाइड नहीं कर रहा है, पर डिवाइड तो कर रहा है, वो तो दिख रहा है हमें। तो हमने जो सपोज किया था कि पी अपॉन क्यू क्या है, को प्राइम है, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2। तो इस तरह से हमारी जो सपोज थी, हमने जो माना था रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है, इस पे डाउट हो रहा है, तो इससे ये रेशनल नंबर प्रूफ नहीं होता है, रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जो हमने सपोज किया, जो हमारा आंसर आया, जो हमारा रिजल्ट आया, और जो हमने सपोज किया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इट मीन्स वी कैन नॉट प्रूफ रूट 2 इज रेशनल नंबर, वी कैन नॉट प्रूफ रूट 2 इज रेशनल नंबर, इट मीन्स रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज नॉट प्रूवन बाई प्रूव्ड बाई प्रूव्ड इज नॉट प्रूव्ड टू बी अ रेशनल नंबर। रूट 2 को हम रेशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाए, इट मीन्स रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ओके। तो ऐसे ही हम रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 सबको प्रूफ कर सकते हैं, ओके, क्लियर। तो चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, इसके बाद आपके सिर्फ एक्सरसाइज बचते हैं, आप एक्सरसाइज 1-2, 1-8-2, 1-D-E जितने भी हैं उसको आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे, ठीक है, और जो भी डाउट हो वो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन में, जिस एक्सरसाइज में डाउट हो उस एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर आप सेट कर सकते हैं लिख के, ठीक है। हम लोग RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, RS अग्रवाल बुक सबके पास होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।